दिनांक 5 जून 2021 को श्रमिक कल्याण समिति जनपद बरेली द्वारा जिला अस्पताल बरेली में ब्लड बैंक प्रांगण में श्रमिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ महाराज के 39वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में नेत्रदान और रक्तदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी सिटी रविंद्र कुमार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर गर्ग, अपर निर्देशक और प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुधीर शर्मा, एसीएमओ डॉक्टर आर्यन गिरी, डॉक्टर यूवी सिंह प्रभारी ब्लड बैंक और समस्त जिला अस्पताल टीम और नेत्रदान की श्रीराम मूर्ति मेडिकल इंस्टीट्यूट की ओर से नेत्रदान टीम में अमित सक्सेना, हरवंश गंगवार का सहयोग रहा। शिविर में रक्तदान करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, प्रशांत कश्यप, विक्की पाल, दीपक पांडे, शिवम उपाध्याय, कन्हैया पाल, विक्रम सोनकर, राजू पाल, विजय पाल और नेत्रदान करने वालों में माया देवी, सचिन कश्यप, रेणु गंगवार, विपिन शर्मा, भावना गौतम, विक्की पाल आदि लोगों ने रक्तदान और नेत्रदान किया। हम जानना चाहेंगे और पदनाम जी, ये श्रमिक कल्याण समिति द्वारा जो नेत्रदान और ब्लड डोनेट का कार्यक्रम है, तो क्या क्या मतलब इसमें बताना चाहेंगे कुछ? नेत्रदान इस समय बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है जी, जो इस वजह से नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है जी। जो डोनेट करे वो बहुत अच्छा काम है, पुण्य का काम है, ठीक है। तो यह कहा जाता है नेत्रदान महादान, और जितने आप दान करेंगे जितना ज़्यादा उतने लोगों को जो देख नहीं पा रहे हैं इस वजह से वो देख सकेंगे। कल्याण समिति द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जी जी जी, और मैं जन सामान्य से उनके जन्मदिन के लिए अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें। और रक्तदान करने से क्या होता है कि किसी न किसी मनुष्य की जान लगती है, उसके सब्जियों में जी जी। और जितना भी 18 से 65 साल की उम्र का व्यक्ति है, 25 वर्ष व्यक्ति है, जिसको भी कोई ज़्यादा बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो रक्तदान कर सकता है। हर 3 महीने पे एक बार रक्तदान कर सकता है, साल में 3-4 बार रक्तदान आराम से कर सकता है कोई आदमी। और सर आज जानना चाहेंगे सर, ये जो आज श्रमिक कल्याण समिति द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उस संबंध में कुछ जानना चाहेंगे सर आपसे? ये जो कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्यक्रम है जी, इसलिए कि ब्लड एक ऐसा यूनिट है जो कि कोई हम लोग बना नहीं सकते, ये रिप्लेस नहीं हो सकता जी। जब तक कोई दूसरा आदमी डोनेट नहीं करे तब तक ये प्राप्त नहीं हो सकता, और ये चीज़ ऐसी जो पैसे से आप हमेशा खरीद नहीं सकते जी। ये डोनेट होने के बाद फिर उसके 8 टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर तब किसी दूसरे को हम दे सकते हैं, और जब कोई इमरजेंसी हो तभी इसका यूज किया सकता है, जैसे शॉक हो, बहुत अधिक ब्लीडिंग हो गई हो, या कोई भी डिलीवरी आ रही हो, या फिर किसी और कारण से जहाँ पर अचानक खून की जरूरत पड़े। ये तो केवल लाइफ से नहीं है, आप किसी की जान बचा रहे हैं, एक बोतल खून देके आप किसी एक आदमी की जान बचा रहे हैं, ये अपने आप में इससे बड़ा पुण्य कार्य है ही नहीं। आप जानते भी नहीं है किसी को, लेकिन आप किसी की जान बचा रहे हैं, इससे बेहतर पुण्य कार्य कर ही नहीं सकता जी। जी, तो आज मतलब कितने लोगों ने ब्लड अभी तक 15 लोगों का नाम आया है जी, देखिए कितने लोग आते हैं। आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके संबंध में कुछ बताएं आप जरा। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय और हिंदूवादी मुख्यमंत्री परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 49वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं जितेंद्र शर्मा योगी सेवक पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करता हूं। और आज श्रमिक कल्याण समिति जनपद बरेली के माध्यम से यहाँ जिला अस्पताल बरेली प्रांगण में हम लोग आज ब्लड डोनेशन का कैंप कर रहे हैं और साथ ही नेत्रदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और आज इस कोरोना महामारी में जहां विश्व में एक आपदा लोगों ने देखा और सब उस आपदा से लड़े हैं, और ऐसी आपात स्थिति में हम सब लोग एक संदेश देते हैं पूज्य महाराज जी के जन्मदिन और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, नेत्रदान कर रहे हैं, और ज़्यादा से